ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टी20 वर्ल्ड कप 2022 का महामुकाबला 16 अक्टूबर से आरंभ हो चुका है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। दोनों टीमों के बीच यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। फैंस के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर बारिश के चलते भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला धुल जाए तो क्या होगा। अगर बारिश के चलते मैच नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों ही टीमों को एक एक अंक मिलेगा। सुपर 12 स्टेज के मुकाबलों के लिए कोई रिजर्व डे भी नहीं रखा गया है। हालांकि दोनों ही टीमें एवं फैंस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैच धुल जाए। ICC इस संबंध में निर्देश पहले ही जारी कर चुकी है। सुपर 12 राउंड में हर टीम को जीतने पर 2 पॉइंट मिलेंगे, वही हारने पर 0 पॉइंट मिलेंगे। अगर मैच टाई या रद्द होता तो टीमों में एक एक पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर ग्रुप में दो टीमों के पॉइंट्स बराबर होते हैं तब इस हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि उन्होंने टूर्नामेंट में कितने मैच जीते, उनका नेट रन रेट क्या था और आमने सामने का कैसे रिकॉर्ड रहा है।